मैं आपके ये जाहिर से बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन विद इन यू, जो आपके अंदर का इंसान है, वो मासूम इंसान जो अपनी बचपन की अपब्रिंगिंग की वजह से डर गया, घबरा गया, सहम गया, ये सारा कुछ जो इंसान अपने पर चढ़ा रहा होता है, इट्स एस्केपिंग फ्रॉम योर रियल सेल्फ हु यू आर। जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं वो ख्वाब भी बड़े देखते हैं और उस ख्वाब को पूरे करने के लिए वो प्रीरिक्विजिट्स भी पूरे करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये ना कि यहाँ पे रैशनल आजाद इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ बच्चा पाला ही नहीं जाता जब तक वो अपनी नेचुरल सोच के ऊपर अपने आप को एक्सप्लोर करके अपनी लिमिट को अंदर से निकाल के ना पहचान ले कि मैं बनाया किस लिए हूं अल्लाह की तरफ से, वो हवाले हो जाता है तो दुनिया उसके लिए सोच रही होती है, बट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ। Knowing yourself is the first thing. जो आदमी अपने आप को जानता नहीं है ना वो कभी भी यूनिक मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्रिएटिव मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो कभी भी डिजाइन में, तो ऐसे बंदे को तो डिजाइन में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आउट क्लास डिजाइन कम्स फ्रॉम अ वेरी नेचुरल हार्ट। जो बहुत ज्यादा सुपर चार्ज आजाद होता है वो ही कोई चीज बनाएगा आगे से। मगर इफ योर थिंकिंग और आपकी सोच अगर मैनिपुलेट हुई भी है डर से, खौफ से, कल्ट से, तासुबात से कि मैं पहले ये हूं, फिर मैं मिडिल क्लास हूं, फिर मैं हाई क्लास हूं, फिर मैं पंजाबी हूं, फिर मैं महाजर हूं, फिर मैं सिंधी हूं, फिर मैं पंजाब का हूं, फिर मैं फलांग का हूं, फिर मैं ढिमकान का हूं, उसके बाद यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू टेक आउट ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज एंड ऑप्टिमिस्टिक क्रिएटिव थिंकिंग, दैट डजंट गो लाइक दैट। तो उसके लिए यू नीड टू टेक अ डिप इन योरसेल्फ, हु यू आर, आप हैं कौन, टॉक टू योरसेल्फ। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इस दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं उनकी सबसे ज्यादा जो बात होती थी ना अपने आप से होती थी, क्योंकि एवरी डे हर दिन यू आर चेंजिंग। इंसान जिंदगी में जब भी कोई पॉजिटिव कदम उठाता है, मैनेजमेंट की फील्ड का हो, इंजीनियरिंग का हो, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने की हो या कोई बहुत बड़ी इमारत कंस्ट्रक्ट करने के लिए, द फर्स्ट नेगेटिव थिंग दैट कम्स इज फ्रॉम योर ओन सेल्फ। एंड अल्लाह सेज इन सूरह यूसुफ, इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, तेरा अपना आप तुझे कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकता। इंसान का अपना परसेप्शन हमेशा उसे स्टार्टिंग में गलीज बात ही करेगा, नापाक, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक बात। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट, इफ यू आर इन आर्ट्स कॉलेज, यू एक्सपेक्ट टू ड्रॉ समथिंग गुड विद अ ब्रश विद यूर डिस्ट्रॉ in yourself with depression and complexes and superiority and inferiority and bipolars and confused, you expect to take out a creative thing out of yourself, whether in marketing or in arts, it doesn't matter, you need to be very sound. Unique selling point banane ke liye bhi you need to think very positively. Aur acha idea aata hi sadiyon ki positive thinking ke baad, magar jahan har jagah bogus, hasad, intimidation, अगले से फॉरन मूव आउट हो जाना, उसने घूरी करा दी, मैं पागल हो गया हूं, वो मतलब दैट गर्ल हैजंट लुक्ड एट मी एंड आई एम ऑल डिस्ट्रॉयड, और ये बड़ी गाड़ी में आ गया, नो, लीडर्स आर नॉट लाइक दैट। यू नीड टू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिकॉग्निशन। मैं हूं, अल्लाह का बनाया हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, और वैसे भी किसी का गुलाम नहीं हूं, मेरा एक थिंकिंग का फ्रीडम है, इररिस्पेक्टिव अगला मेरे बारे में जो भी सोचता हो। यू नीड टू बी सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ एंड यू आर नॉट अ लूजर, नॉट एट ऑल अ लूजर। सो ये सब स्टार्ट होगा जब आप बैठेंगे थोड़ी सी मस्तियों से बाहर निकल के, स्टार्ट बीइंग अ लिटिल डीप प्रोफाउंड, एंड आई डेफिनेटली टेल यू देन योर माइंड वुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड देन दैट इज यू बिकम अ गुड सेलर। तो जब आप जिंदगी में कुछ पॉजिटिव करने चाहेंगे ना, द फर्स्ट थिंग दैट वुड टेल यू इज कि ये गलत कर रहे हो तुम, इज योर ओन सेल्फ। और बहुत से लोग इसलिए आज एक सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाए, और शायद आप बन जाएंगे और आप जरूर बनेंगे इंशाल्लाह ताला, इट्स बिकॉज वो अपने आप से झूठ बोलते हैं और उनका अपना आप भी उनसे झूठ बोलता है। यू एंड मी बोथ आर गोना ग्रो ओल्ड वन डे, सब बूढ़े हो जाते हैं, यू नो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दैट काउच एंड देयर इज नोबडी अराउंड, ये हुसन, ये जमाल, ये कमाल एक टाइम पर साथ छोड़ जाएगा। यू नो व्हाट यू रियली लव एट दैट एज, उस उम्र के अंदर आदमी अपनी 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 मेमोरीज लेके जाता है सिर्फ कि आई हैड माई एज एंड आई डिड दिस, ड्रीम्स, विजन्स, बट ये सब नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे, आप अपनी लिमिट को डिस्कवर नहीं करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर नहीं करेंगे, आप अपनी वीकनेसेस को डिस्कवर नहीं करेंगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू मेक एन आईफिल टावर, हाउ डू एक्सपेक्ट टू मेक द ट्विन टावर्स, इफ यू कांट बिल्ड योर हार्ट, हाउ आर यू गोना कंस्ट्रक्ट अ बिग कंपनी, लीड अ ब्यूटिफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। इवन इफ यू लूज फिजिकली, योर इनर सुकून मैटर्स अ लॉट। और इस सारे के अंदर, इंसान की तामीर के अंदर, उसकी मेंटल परसेप्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर अल्लाह का कितना रोल प्ले है, योर कनेक्टिविटी विद अ सुपर नेचुरल बीइंग, मतलब आधी आधी उम्रें गुजर चुके हैं अगर, इफ आई आस्क यू हाउ मच डू यू नो गॉड, बिकॉज उसके हेल्प के बगैर आप कर नहीं सकेंगे। बाय द वे, फैजा आजम था फतवक्कल अल्लाह, अजम कर लिए, इरादा कर लिए तो अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, मगर उस अजम को ऊंट बांधने को फिर अल्लाह पे तवक्कुल करने से पहले बात वही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। प्रॉफिट सल्लम सेज इन्ना फिल जसद मुज़गा, के ये जो दिल है ना, दिल इज़ा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लु, ये एक बार खराब हो जाए तो ये पूरे जिस्म को खराब कर देता है। एंड इफ द हार्ट इज राइट, अगर दिल ठीक हो तो ये इंसान का जिस्म भी ठीक कर देता है। एंड द हार्ट इज द थिंकिंग बॉक्स, यहाँ से आदमी सोचता है, इसी में इंसान के जज्बात हैं, गुस्सा है, गजब है, इश्क है, मोहब्बत है, उम्मीद है,
اسی کے اندر انسان کا غم ہے, اسی میں انسان کی خوشی ہے. اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ. ناؤ دا تھنگ از, اکثر لوگ جو اپنے لائف کے لیے جو کریئر ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا, وہ ایک نیچرل سچے ایماندار ریفلیکٹنگ دل سے نکلا ہوا کریئر نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں کو دیکھیں, وہ جابس تو کر رہے ہیں, کام تو کر رہے ہیں دنیا میں, مگر دے لیک دا پیشن. اور اکثر لوگ اپنے کام سے نا عشق نہیں کرتے, وہ جنون کی حد تک پیشن اور محبت نہیں ہوتی. کیوں؟ بیکاز دے آر ڈاکٹرز بیکاز لوگ چاہتے تھے وہ ڈاکٹر بن جائے, دے آر گوئنگ ٹو بی مینیجرز بیکاز لوگ چاہتے تھے وہ بی بی اے کر لیں, دے آر انجینئرز بیکاز لوگ چاہتے تھے وہ سول الیکٹرونکل. اس نے ہی نیور فالوڈ ہز ہارٹ, دل ہی نہیں تھا اس کا. کیونکہ آگے کی جو آپ کی لائف کی پروگرس ہے, کریئر بیس یا آپ کی پروفیشنل بیس یا سوشل بیس, اٹس آل آن یور ہارٹ, ہاؤ اسٹرانگ یو آر دیر. But if you're not strong there, you're going to fall down. And it's not wrong in falling down, as long as you keep coming back. Certainty, conviction, persistence, patience, sabr, yakeen. Yeh cheezein hain jo aage aapka resource hongi zindagi mein apne khwab poore karne ke liye. Aur yeh tab tak nahi ho sakti jab tak ke bahut zyada mental exercises hum na karein. Aur yeh tab tak nahi ho sakta jab tak hum apne aap ke andar dip nahi lenge. Knowing ourselves ke main kaun hu. Complexes, arrogance, jealousy. Yeh toh ek kamzor aadmi ki nishani hai, takabbur. Why would somebody be arrogant on something? اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے تو اللہ نے دیا آپ کو. تو یہ ایروگنس, جیلسی, حسد, بغض, سارے ویژنز کے پیچھے یہ چل رہا ہوتا ہے. نیچر نہیں چل رہی ہوتی انسان کا, نیچرل ڈسپوزیشن نہیں ہوتا. اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو لوگوں کی عبادتوں سے باہر نکلنا پڑے گا. یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دا پیپلز ورشپ اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری جینوئن ود یور سیلف. جینوئن ہو اپنے ساتھ, ایکسپٹ کریں اگلے کو, کوئی مسئلہ نہیں, وہ ایسا ہے ٹھیک ہے, آئی ایم فائن ود اٹ, آئی ایم کول. یہ ساری چیزوں کے بعد ایک ایک پیاری خوبصورت مخلوق بنتی ہے, اینڈ دیٹ کین اچیو اینی تھنگ ان دس ورلڈ. زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے لیے بہت قربان کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ, اور اس کے لیے سب سے بڑا ریسورس آپ کا اپنا آپ ہوتا ہے. ایک انسان ہی پہلے خود کارپوریٹ ہوتی ہے, خود مارکیٹنگ ہاؤس ہوتا ہے, خود ہی وہی ہوتا ہے سب کچھ, وہی ایچ آر بھی وہی ہوتا ہے. ہی از ایوری تھنگ فرسٹ اینڈ دین لوگ جڑتے ہیں. یو فائنڈ دا رائٹ پیپل. دا فرسٹ واک ٹو واک ٹوورڈ سکسیس از دا واک الون. اٹس دا ہارڈیسٹ واک ہیز بین دا واک الون. اکیلا ہی چلتا ہے آدمی, اور پھر کارما بنتا ہے, اور پھر وہ بڑی بڑی چیزیں کھڑی کرتا ہے. اینڈ دیٹ از دا بیوٹیفل اکمپلشمنٹ آف لائف کہ میں نے آئی ڈیڈ سم تھنگ بائی دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ.